चाओ चाओ बिहेव करता एक लॉयन की तरह, खेलता एक पांडा की तरह, टच करने में फील होगा एक टेडी बियर की तरह और इंडिविजुअली रहता एक बिल्ली की तरह। लेकिन ये ब्रीड है क्या? वैलिस के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि चाओ चाओ का प्राइस कितना है इंडिया में और अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो आपको महीने में कितना खर्चा आ जाएगा। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसका टाइटल है विच डॉग ब्रीड इज राइट फॉर मी, तो अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चाओ चाओ के कुछ बेसिक्स के बारे में। चाओ चाओ एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 43 से 56 सेंटीमीटर और वेट 16 से 41 केजीज के बीच में होता है। इस ब्रीड की तरफ देखते ही आपको लगेगा कि ये लड़कियों के लिए ही बनी है। एक ऐसा डॉग जिसके साथ हम कडल कर सकते हैं या जो भी करना चाहें कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये उन ब्रीड में से नहीं है। ये एक सबसे ज्यादा अनफ्रेंडली डॉग ब्रीड है और किसी के साथ भी आसानी से घुलती मिलती नहीं है, चाहे वो उसका अपना ओनर भी हो। अनफ्रेंडली से मेरा मतलब अग्रेसिव नहीं है। एक पर्टिकुलर फैमिली में इनका कोई फेवरेट पर्सन होगा जिसके साथ सिर्फ ये प्रेफर करते हैं कि वो ही इन्हें ग्रूम करे और उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप थोड़े से सीरियस पर्सन है या एक ऐसे पर्सन है जिसे फिजिकल एक्सरसाइज पसंद नहीं है तो ये ब्रीड आपके लिए ही है। ये अकेले रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और एक शांत नेचर होता है इनका। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेजी होते हैं, समझ आ रहा है ना? अगर आप एक फर्स्ट टाइम ओनर हो तो चाओ चाओ लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। ये एक ऐसी ब्रीड है जिसे एक ऐसा ओनर चाहिए जो इन्हें समझे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपको समझा देंगे। अपार्टमेंट में रहना चाओ चाओ के लिए काफी ज्यादा आसान होता है। इन्हें ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती। मिनिमम अगर आप 2 घंटे दिन में वॉक करवाएंगे तो इनके लिए इनफ है। अगर आप एक चाओ चाओ अभी अभी लेके आए हो और मुझसे पूछोगे कि क्या करना चाहिए तो एक चीज जो मैं कहूंगा वो है सोशलाइज। ये एक ऐसी ब्रीड है जो किसी अननोन पर्सन को अपने घर में लाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो अगर आपके पास पपी है तो ये बेस्ट टाइम है उसको एक्सपोज करने का अलग अलग जगहों में, जैसे कि कोई मॉल, शॉप, बसेस या रेस्टोरेंट पे भी आप जा सकते हैं। अगर आप किसी गर्म जगह में रहते हो या एक ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे प्रॉपर कूलिंग सिस्टम नहीं है जैसे कि एक एसी, तो चाओ चाओ कभी भी मत लेना। जैसे साइबेरियंस की गर्मियों में अपना कोट शेड कर देते हैं, चाओ चाओ ऐसा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा गर्मी लगती है। तो आपके घर में एसी होना या आपका घर एक ऐसी जगह में होना जहाँ पे नेचुरल एसी है सबसे जरूरी है। याद है अभी मैंने कहा था कि आपको इस ब्रीड को समझना होता है, लेकिन आप वो करोगे कैसे? सब्सक्राइब। चाओ चाओ का प्राइस डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ से और किससे ले रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी लोकल पेट शॉप से ले रहे हैं तो चाओ चाओ का प्राइस स्टार्ट होगा 30,000 रुपीज से और वो जा सकता है 40,000 रुपीज तक। दूसरी तरफ अगर आप किसी ब्रीडर से ले रहे हैं तो चाओ चाओ का प्राइस स्टार्ट होगा 50,000 रुपीज से और वो जा सकता है 80,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रीडर कितना रेप्यूटेड है, किस तरह की क्वालिटी वो आपको दे रहा है और किस जगह पे वो ब्रीडर सिचुएटेड है। अगर आपको जानना है कि इन जनरल आपको डॉग कहाँ से लेना चाहिए या एक ब्रीडर इतना ज्यादा क्यों चार्ज करता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो जो मेन खर्चा आपको करना होता है वो होता है खाने के ऊपर। अगर आप अपने चाओ चाओ को स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देंगे तो आपको 3,000 से 4,000 रुपए का पर मंथ खर्चा आएगा, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देंगे तो 5,000 से 6,000 रुपए का पर मंथ खर्चा आएगा। वैक्सीनेशन की कॉस्ट पपीज के लिए थोड़ी सी ज्यादा रहती है क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंट वैक्सीनेशन चाहिए होता है। पर वैक्सीनेशन आप 800 से 1500 रुपीस खर्च सकते हैं। कुछ इंसेक्ट और वर्म्स आपके डॉग की बॉडी से खाना लेते हैं, आप ऐसा नहीं चाहते हैं ना, इसीलिए डिवॉर्मिंग जरूरी होती है। ये मेडिसिन ज्यादा महंगी नहीं होती तो आप 100 रुपीस पर शेड्यूल खर्च सकते हैं। चाओ चाओ की तरफ देखते ही हमें पता चल जाता है कि इन्हें ग्रूमिंग कितनी ज्यादा चाहिए। तो आप 1000 से 1500 रुपीस खर्च सकते हैं ग्रूमिंग में, जो इंक्लूड करेगा शैम्पूज, ब्रशेज, नेल क्लिपर और ऑब्वियसली आपकी मेहनत भी। ऑन एवरेज अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करें इफ चाओ चाओ को इंडिया में रखने का, तो वो होगा 5,000 रुपीस अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो वो होगा 7,000 रुपीस। लीश, कॉलर, बोल्स, टॉयज, क्लोथ्स, ये सब ऐसी चीजें जो आप हर महीने नहीं लेते, तो मैंने इसका प्राइस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको वो सब चीजें अमेजोन से लेनी है जो आपके नए चाओ चाओ पपी को चाहिए होगी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने हर एक प्रोडक्ट के लिंक्स दिए हैं, जहाँ पे एक बड़ी वन टाइम कॉस्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चाओ चाओ आगे जाके बच्चे पैदा ना करे या इन जनरल हीट पे ना आए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो आप स्पे एंड न्यूटर की सर्जरी करवाते हो। इस सर्जरी की कॉस्ट स्टार्ट होती है 4,000 रुपीज से और जा सकती है 12,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको जानना है कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक कर दो।